राजधानी के चौमू कस्बे में दो दिन पहले उपजे विवाद के मामले को लेकर विधायक रामलाल शर्मा ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मुलाकात की। चौमू में बने तनाव की स्थिति को लेकर विधायक रामलाल शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है और साथ ही कस्बे में सर्च ऑपरेशन चलाकर अवैध हथियार जब्त करवाने, इमाम चौक में पुलिस चौकी खुलवाने और साथ ही पुलिस गश्त बढ़ाने को लेकर भी मांग की। कल रात को जयपुर कमिश्नर से मैं मिला था। 24 तारीख को चौमू के अंदर जो घटना हुई, उस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मैंने मांग रखी थी और मैंने उनसे ये कहा कि चौमू में शांति कायम रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से एक परंपरा इस बात की बन चुकी है कि कुछ लोग आएंगे, उत्पात मचाएंगे, उनका पहली बात तो FIR में नाम नहीं आएगा और अगर नाम भी आ गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति उनकी जगह पेश होके और उस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति दोषी नहीं है, लेकिन पुलिस निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करे, जो भी व्यक्ति दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और चौमू में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए उनको जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो कदम उठाए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की कमजोरी की वजह से घटना होती है एक स्थान के ऊपर और उसकी प्रतिक्रिया आप दूसरे और तीसरे स्थान के ऊपर भी लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब चौमू के अंदर दहशत का माहौल पैदा करना है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।